बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जो बेसिकली मैथमेटिक्स और फाइनेंस। अब सबसे पहले तो हमने इसमें सिंपल इंटरेस्ट देखा था, उससे कुछ क्वेश्चन हमने लिखे थे। सिंपल इंटरेस्ट के और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमें एडिशनल अमाउंट मिलती है उसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमने देखा था आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू पी। ये फॉर्मूला हमने उस दिन यूज किया था। आई का मतलब इंटरेस्ट, पी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, आर का मतलब रेट, टी का मतलब टी। ठीक है, और टाइम हमने इसमें याद रखना है ईयर्स के मुताबिक लेना है, ईयरली। और इसमें हमने रेट लेना होता है एनुअली। ठीक है, ये उस दिन हमने कन्वर्ट भी किया था कि अगर आपके पास ईयरली नहीं है, क्वार्टरली है या सेमी क्वार्टर कुछ भी होगा तो उसको हमने कन्वर्ट करना होगा एनुअली में, और जो है टाइम को हमने कन्वर्ट करना होगा ईयर्स में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने जो कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आपके एग्जाम्पल्स भी और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी, जैसे कि ये आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल थी, इसमें हमने देखा कि कैसे मंथ्स है जिसको हमने कन्वर्ट किया ईयर्स में, और वेट है ये परसेंटेज में जिसको कैसे पॉइंट्स में कन्वर्ट किया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने इस तरह से कन्वर्ट किया, और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो फाइन किया, जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी इसके थ्रू। ठीक है, अब ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे। इसके बाद हमें किसी जगह पे आर फाइन करना था, किसी जगह पे प्रिंसिपल अमाउंट, किसी जगह पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसी जगह पे पी फाइन करना था। तो इसके फॉर्म बेसिक फॉर्मूला वही है, बस उसी को रीअरेंज करके हमने ये चीज़ें भी देखी। एग्जाम्पल थ्री में हमने देखा कि हमने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी थी, बाकी सब चीज़ें हमें गिवन थी। सिमिलरली हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखा कि हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना था बेसिकली। एग्जाम्पल फोर में हमने रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना था, बाकी सारी चीज़ें हमने गिवन थी। नेक्स्ट एग्जांपल पे गए, हमने एग्जांपल नंबर 5 में देखा कि हमने मतलब इसमें हमने फाइंड किया था टाइम। ठीक है, और टाइम को हमने हमेशा किसमें फाइंड करना है, एनुअली फाइंड करना है टाइम को। ठीक है, कि इस क्वेश्चन में हमने टी फाइंड करना था और टी को फिर हमने ईयर्स में फाइंड करना था। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने बेसिकली ये एग्जांपल नंबर 6 में भी इसी तरह से उसी फॉर्मूले को यूज करके हमने टी फाइंड किया, और हमारा आंसर मंथ में आया, और हमें मंथ्स में चाहिए था, हाउ मेनी मंथ्स पूछा हुआ था उन्होंने। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उन्होंने हमारे से पूछा था हाउ मेनी डेज, तो हमने फाइंड तो टी करना था लेकिन उसको डेज में कन्वर्ट करना था। ठीक है, इस तरह से अब हम आते हैं, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारे पास है द अमाउंट। इसमें हमने फाइंड करना द अमाउंट ऑफ अ सम ऑफ मनी। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारे पास ये बेसिक फॉर्मूला यूज होगा, एस इज इक्वल टू पी प्लस आई। पी का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, आई का मतलब है इंटरेस्ट रेट, और एस का मतलब है कि हमने क्या करना है, उस अमाउंट का सम फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल में देखें, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारे पास, प्रिंसिपल इज 2200, इंटरेस्ट इज 240, फाइंड द अमाउंट। अमाउंट फाइंड करनी है आपको, आई भी गिवन है और पी भी गिवन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई मसला नहीं। आपने क्या करना है, पी प्लस आई करके यहाँ पे पी की जगह पे बी की वैल्यू रख दी, आई की जगह पे इंटरेस्ट की वैल्यू रख दी, और इस तरह से हमने जो है ये सम फाइंड कर लिया। बस सम ही फाइंड करना था यहाँ पे, ठीक है, अमाउंट या सम। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने कहा द प्रिंसिपल इज 850, द अमाउंट इज 2920, फाइंड द इंटरेस्ट। अब यहाँ पे रीअरेंज करना होगा आपको बेसिकली। देखिए ये फॉर्मूला ना, एस इक्वल टू पी प्लस आई। अब आपको यहाँ पे पी गिवन है और एस गिवन है, आई इंटरेस्ट को आपने फाइंड करना, फॉर्मूला यही यूज होगा, लेकिन हमने क्या करना है यहाँ पे इसको रीअरेंज कर देंगे। ठीक है, इसको आई को यहाँ पे रखेंगे और 850 को साइड पे जाके माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड में, अमाउंट इज 430, अमाउंट इसका मतलब एस गिवन है, इंटरेस्ट इज 40, आई गिवन है, फाइंड द प्रिंसिपल। अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो फाइंड करनी है, बाकी दो चीजें हमें गिवन है, फॉर्मूला वही यूज करना होगा हमने, और इसके अकॉर्डिंग हमने ये करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थर्ड वाला, थर्ड पार्ट में हमने क्या किया, एस और आई हमें गिवन था और पी हमने अमाउंट फाइंड कर ली उसी फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, बिल्कुल आसान फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास आता है अमाउंट फॉर्मूला।
अमाउंट फॉर्मूले में क्या होगा, देखिए एस इज इक्वल टू पी प्लस आई, उसी तरह का फॉर्मूला, लेकिन इसमें हमने क्या किया, सब्सटीट्यूट कर दिया जो हमारे पास आई का फॉर्मूला पिछले पीछे हम पढ़ चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू पी आर टी। अब आई की जगह पे हमने पी आर टी सब्सटीट्यूट किया और यहाँ से पी कॉमन निकल रहा है और यहाँ पे अंदर आ जाएगा 1 प्लस आर टी। ठीक है, एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी, इसके थ्रू हम ये फाइंड करेंगे। पी इसमें अब कॉमन फैक्टर आ जाएगा 1 और प्लस आर टी, आर का मतलब जो वही रेशियो और टी का मतलब टाइम। ठीक है, इसके थ्रू हमने फाइंड करना है अमाउंट फॉर्मूला। ऊपर जो पढ़ा था वो सिंपल एस इक्वल टू पी प्लस आई था। अब आपने अपने उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है, कुछ जगहों पे आपको पी प्लस आई गिवन होगा तो आपने यही फॉर्मूला यूज करना है, कुछ जगहों पर आपको आर और टी गिवन होगा तो आपने इस वाले फॉर्मूले को यूज करना होगा। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास 9, फाइंड अमाउंट, हमने अमाउंट को ही फाइंड करना है ऑफ 7200। इसका मतलब 7200 की अमाउंट को हमने मतलब ये हमारे फाइंड करना है, अर्निंग 11%। 11% मैंने अभी बताया था आपको, इसे रेट होता है, परसों जब हमारी क्लास थी तो मैंने बताया था परसेंटेज में ये जो गिवन होता है ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और इसको हमने पॉइंट्स में करना होता है फॉर 146 डेज। अब 146 डेज का मतलब है ये हमें टाइम गिवन है, लेकिन डेज में हमने जो है अपना उसके मुताबिक ईयर्स में करना होता है। इसका मतलब है 146 को हम 365 से डिवाइड करें तो हमारा जो है टाइम्स की आ जाएगा, हमें ईयर्स में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें हमने अमाउंट फाइंड करनी है ना। अब पी हमें गिवन है, ठीक है, पी गिवन है 7200, आर हमें गिवन था उसको हमने पॉइंट में कर लिया सिंपल, टी हमें था हमने उसको इतना से लिख लिया। अब एस फाइंड करना है ना, हमने फाइंड अमाउंट, हमें अमाउंट फाइंड करनी थी। अगर आपको देखें गलत इसमें पी और आई गिवन होता तो आप दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर लेते, एस इज इक्वल टू 1 प्लस जो हमने अभी पीछे पढ़ा था पी प्लस आई, लेकिन यहाँ पे हमें जो है आर और टी गिवन है तो इसके मुताबिक हमें ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सेकंड फॉर्मूले में हमने जो है पी की वैल्यू को पी की जगह पे पुट किया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस आर की जगह पे 0.11, टी की जगह पे हमारे पास जो हमारा 146 ओवर 365 डेज आया था तो हमने ये इसमें कन्वर्ट किया, सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया और सिंप्लीफाई किया और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखो सारी चीजें आपको गिवन है, बस आपने दो फॉर्मूले अभी तक हमने इसमें पढ़े हैं। पहला हमने सिंपल इंटरेस्ट का पढ़ा था, वो तो अलग चीज है, लेकिन ये अब जब हम अमाउंट फाइंड कर रहे हैं या सम फाइंड कर रहे हैं तो उसके दो फॉर्मूलाज हैं, एक हमारे पास हमने जो भी पिछले क्वेश्चन के लिए देखा था और एक अब हमारे पास ये वो था एस इज इक्वल टू पी प्लस आई और ये हमारे पास एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। ठीक है, ये अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने लगाना होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंडिंग द प्रिंसिपल व्हेन अमाउंट इज अननोन। अब अमाउंट अननोन होगा तो प्रिंसिपल फाइंड करना होगा, फॉर्मूला यही होगा लेकिन बस रीअरेंज करना होगा। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल यानी कि हमने पी को फाइंड करना है विच विल अमाउंट टू 12,945। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल यानी कि सम आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा इन 9 मंथ्स, मंथ्स में डाटा गिवन है। अभी मैंने आपको बताया जब भी आपको मंथ में, डेज में, क्वार्टर्स में, सेमी क्वार्टर्स में गिवन होगा आपने उसको कन्वर्ट करना होगा ईयर्स में। अब हमने इसको कन्वर्ट करने के लिए ईयर्स में क्या करेंगे, मंथ हमारे पास 12 होते हैं ना साल में, हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 145 डेज था तो डेज को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास टोटल डेज 365 होते हैं तो वो ईयर में कन्वर्ट होगा, इसको 12 से करेंगे तो ये ईयर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है 10.5 पर एनम। ठीक है, हमें एनम ही चाहिए होता है डाटा, एनम ही चाहिए होता है इसका रेट का, तो हम इसको 10.5 को कन्वर्ट कर लेंगे पॉइंट्स में। ठीक है, इसको सिंपल पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे, जो टाइम है इसको ईयर्स में करेंगे और ये हमारे पास एस है ऑलरेडी और पी हमने फाइंड करना है। ठीक है, सारी चीजें पहले हम गिवन डेट जो हमें होती है क्वेश्चन में सारी चीजों को हम लिख लेते हैं। फिर देखिए हमने एस लिख लिया, आर को हमने पॉइंट्स में कर लिया, टी को हमने ईयर्स में कर लिया, अब पी हमने फाइंड करना है। उसके बाद वी नो डेट हमें ये पता है ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, वो जो हमारा दूसरा फॉर्मूला था पी प्लस आई वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ये वाला यूज होगा क्योंकि आर और टी गिवन है। अब हमने सारी वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट किया और आपस में आप देखेंगे आप यहाँ पे इन सबको सोल्व करके एक वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे ये वैल्यू होती है बाहर। अब हमने ये सारा सोल्व करने के बाद एक वैल्यू आएगी, इसको साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, हमारे पास यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट हमारे पास ये आ जाएगी 12,000। ठीक है, अच्छा जी, अब अगला वो देखिए वही क्वेश्चन उसी को मतलब एक ही आपके पास फॉर्मूला होता है उसको डिफरेंट चीजें फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, कभी इसमें पी फाइंड कर लिया, कभी इसमें डी फाइंड कर लिया, कभी इसमें आर फाइंड कर लिया, कभी इसमें एस फाइंड कर लिया। आप क्या कहते हैं, फाइंडिंग द रेट व्हेन अमाउंट इज नोन। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि आपने आर फाइंड करना होगा जबकि आपको एस गिवन होगा। ठीक है, फॉर्मूला वही है एस इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। आपने क्या करना है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करना होगा, पी और एस आर ये तीन मतलब आपको ये क्वेश्चन गिवन होगा। एड देखें एग्जाम्पल नंबर 11 है,
एट बर्थ रेट 10,000 डबल्स, 10,000 जो है वो डबल होगा इट सेल्फ इन 6 ईयर्स। अब जो ईयर्स है ये तो हमें पता चल गया हमारे पास टी है, और टी हमारे पास ईयर्स नहीं है, हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि ये अमाउंट है टी इक्वल टू 10,000 से डबल हो जाता है इसका सम। इसका मतलब है हमारे पास ये तो आ जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट, और उसका डबल होगा वो हमारे पास टोटल सम होगा। ठीक है, हमने क्या किया, अपने जो है सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट लिखी जो हमारे पास 10,000 थी, टी बता दिया 6 ईयर्स है, और एस हमारे पास आएगा डबल, यानी कि उसका डबल 20,000 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हो जाएगा एस। एस भी गिवन है, टी भी गिवन है, टी भी गिवन, आर अननोन है, आर हमने फाइंड करना है। एट वट रेट कहा है ना, एट वट रेट यानी कि रेट बताना है हमें, आर हमने बताना है। तो हमने क्या किया, ये फॉर्मूला हमारे पास था, वी नो दैट एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 + RT, इस तरह से किया। और यहाँ पे हमने बेसिकली एस की वैल्यू को पुट कर दिया जो हमें ऊपर गिवन थी डबल 20,000, टी की वैल्यू हमने जो है 10,000 गिवन थी, 1 + E की 6 गिवन थी, आर अननोन था। हमने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, देखें ये 10,000 को जाके डिवाइड कर देंगे, उसके बाद ये 1 + 6 R रह गया, 1 को भी ले जाके माइनस कर देंगे 6 R रह जाएगा, 6 को ले जाके डिवाइड कर देंगे हमारे पास R आ जाएगा। अब बेसिकली R ही हमारा पॉइंट्स में आता है, लेकिन हमने जो अब देना है इनको वो परसेंटेज में देंगे। क्या करेंगे, इस आंसर को जो हमारे पास R आया है इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर जो आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, हेंस द रिक्वायर्ड रेट इज 16.7%। क्लियर, देखिए एक ही क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूले को बस, कभी आपसे आर पूछ लेते हैं, कभी आपसे टी पूछ लेते हैं, कभी आपसे एस पूछ लेते हैं, कभी आपसे पी पूछ लेते हैं, फॉर्मूला एक ही चल रहा है। आते हैं हमारे पास फाइंडिंग द टाइम। अब टाइम फाइंड करना होगा व्हेन अमाउंट इज अननोन। अब आपको जब एस गिवन हो, देखिए वही फॉर्मूला है, आपको एस गिवन हो, पी गिवन हो, आर गिवन हो, तो टी फाइंड करना होगा आपने। ठीक है, वही चीज, वही फॉर्मूला। अब क्या है क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में देखें, इन वट टाइम, यानी कि इन वट टाइम का मतलब हमें उनको टाइम बताना है, 3,000 इन्वेस्टेड। ठीक है, 3,000 हमारे पास आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, कि उनके पास 3,000 रुपये थे एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। अब 10% का मतलब है कि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 10%, सिंपल इंटरेस्ट विल अमाउंट टू 12 जो है हमारे पास 1,000 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होगी, ये हमारे पास अमाउंट जो सम होता है वो हो जाएगा, ये हमारे पास रेट हो जाएगा, और टी हमने इसमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। ठीक है, ये हमारे पास आर हो जाएगा, ये हमारे पास टी हो जाएगा, ये हमारे पास एस हो जाएगा, और टी को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले तो देखिए हमने लिख लिया अपने पास जो गिवन डेट में था, पी लिख लिया, आर लिख लिया, पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया, एस लिख लिया, और टी हमने निकालना है यहाँ। ठीक है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले अपना जो गिवन डाटा लिख लिया, और वही नो डेट जो फॉर्मूला हमें पता है हमने वो फॉर्मूला लिख लिया, और इसके अकॉर्डिंग हमने जो सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया, 3,000 को ले जाके डिवाइड कर दिया, बाद में 1 की वजह से माइनस हो गया, 0.10 रह गया टी के साथ, इसको भी साइड पे जाके डिवाइड कर दिया, तो टी हमारे पास आ जाएगा 30 ईयर्स। ठीक है, द रिक्वायर्ड टाइम इज 30 ईयर्स। क्लियर, अच्छा जी, अब आते हैं हमारे पास एक्सरसाइज। हमने जो है एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन उस दिन देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिए थे, इनमें तो देखिए सिंपल आपने बताना था ना, सिंपल इंटरेस्ट कुछ, ये पी आपको गिवन था, ये आर गिवन था, ये टी गिवन था, आपने अपने अब इसके अकॉर्डिंग करना था, ईयर्स में है तो इसको ईयर्स में, ये पॉइंट्स में, और ये है यहाँ पे पुट करके आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करा था। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है ना, उसे हमने ये भी था, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, आई इज इक्वल टू पी आर एन टी। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब ये हमारे पास टी है, ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास पी है, और सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड करते जाएंगे सब में। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ये पी हो गया, ये हमारे पास आर हो गया, ये टी हो जाएगा, यहाँ पे भी मंथ्स में है, तो लेकिन इसको हम ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे 12 से डिवाइड करके। अब 244 डेज है, इसको भी हमने 365 डेज से डिवाइड करके कन्वर्ट कर लिया अपना ईयर्स में, और ये भी हमारे पास टी आ जाएगा, इसको मंथ्स में कर लेंगे, ये भी हो जाएगा, ये भी हमारे पास टी हो गया, आर हो जाएगा। अभी 2 ईयर्स + 3 मंथ, इसको भी हमने देख लिया, 2 + 3/12 करके हमने इसको भी कन्वर्ट कर लिया था, टी में बना लिया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट के थे। इस अगले वाले क्वेश्चन में भी हमने हमें क्वेश्चन नंबर 5 तक आई थिंक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम यही चीजें थी, इसी तरह से आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना था। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू पे ऑफ लोन ऑफ 12,000। ठीक है, 12,000 हमने जो है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, 12,000 है, यहाँ से अब नोट डाउन करते हैं।
हमारे पास ये जो 12,000 है ये हमारे पास बी आ जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 बी आ जाएगा। अब ये 14% है, 14% का मतलब है कि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हमने पॉइंट्स में कर लेना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.14, ठीक है, 0.14 आ जाएगा। 7 मंथ लेटर, 7 मंथ इसका मतलब है हमें मंथ में गिवन है और 7 है हमारे पास टी। अब हम क्या करेंगे, इसको 7 को 12 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड टी। हमने क्योंकि एनुअल ईयरली करना होता है ना, हमारा 7 बाय 12 करेंगे तो ये टी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। और वट पेमेंट, वट पेमेंट का मतलब है कि हमने इनको टोटल अमाउंट बतानी है ना, सम बताना है, तो हम यहाँ पे इसको बेसिकली एस निकालना होगा। एस का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे, एस का हर जगह पे फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पी ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस RT, ठीक है। हमें आर भी गिवन है, हमें टी भी गिवन है, हमें पी भी गिवन है, बस ये एस हमने फाइंड करना है। तो ये हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्लियर। अच्छा, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू 12,760। अब ये हमारे पास देखिए, हमने पी बताना है, इसका मतलब है ठीक है, व्हाट प्रिंसिपल जो उन्होंने पूछा होता है वो बताना है। व्हाट पेमेंट का मतलब है कि हमने टोटल पेमेंट बतानी थी, व्हाट प्रिंसिपल का मतलब है कि हमने पी बताना है इसमें, विल अमाउंट। अब ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा, हमारे पास अमाउंट, उसके बाद रेट आ गया और मंथ आ गया। ये देखिए, ये क्या है हमारे पास, ये पी आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास पी आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास टी है, ये टी हमारे पास 5 है। अब आपको मैंने अभी पहले बताया है कि हमारे पास जब भी मंथ्स में होगा उसको हमने कन्वर्ट करना है ईयर्स में, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये हमारे पास ईयर्स में आ जाएगा। अब ये हमारे पास 10.885%, इसको हमने आर को लिख लेना, ये आ जाएगा 0.10 कुछ 85 ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले जो हमारे पास ये था 12,760, ये हमारे पास अमाउंट है। अमाउंट अभी हमने देखा क्या होता है, एस कहलाता है हमारे पास। प्रिंसिपल हमने पी जो है वो फाइंड करना है, ठीक है, प्रिंसिपल जो है हमने पी को फाइंड करना है। सेम वही फॉर्मूला हमारे पास होगा, एस इज इक्वल टू, हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, एस इज इक्वल टू पी बाहर आ जाएगा 1 प्लस RT, ठीक है, वही फॉर्मूला। बस आपने चीजों को देखो अंडरस्टैंड करके, पहले गिवन डेट में सारी चीजें लिखनी है, बाद में आपको भी पता चलेगा कि रिक्वायर फॉर्मूला कौन सा यूज होना है। इसमें अब देखिए हमारे पास टी गिवन है, आर गिवन है, पी गिवन है, नहीं सॉरी पी फाइंड करना है, एस गिवन है। अब ये चीजें हम सारी इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे और इस पी को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आपको जब सारी चीजें रिक्वायर्ड लिख लेंगे तो उसके जो गिवन डेट में होती है, फिर आपको पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो सिंपल एस प्लस आई वाला लगाना है या ये वाला लगाना होगा, क्लियर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 पे हम। इसमें है हमारे पास एट व्हाट रेट, एट व्हाट रेट का मतलब है कि हमने इसमें फाइंड करना है आर। ये भी मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था कि जब जो चीजें पूछी होती है वो बता देते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कह दिया आर हमने फाइंड करना है, 7,1800 हमारे पास टोटल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट है, एंड अमाउंट इज दिस, और ये हमारे पास 72,930 हमारे पास एस आ जाएगा, ये हमारे पास एस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, उन्होंने कहा एट वर्ट रेट 7,1800 अमाउंट टू दिस, ये हमारे पास यानी कि टोटल अमाउंट ये आ जाएगी, टोटल अमाउंट ये है, एस ये है, और टी 20 मंथ्स। अब फिर क्या करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे हम 12 पे, हमारे पास टाइम आ जाएगा, ये टी हो जाएगा, ये हमारे पास एस आ गया, ये हमारे पास पी आ गया, और यहाँ पे हमारे पास आर हमने फाइंड करना है। सेम वही फॉर्मूला बच्चे, बार बार वही फॉर्मूला। क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको इतनी बार मैंने लिख दिया, आपको याद हो जाना चाहिए, 1 प्लस RT, ठीक है, आर हमें फाइंड करना है, टी हमें गिवन है, पी भी गिवन है, एस भी गिवन है, सारी चीजें गिवन है, बस आपने आर को फाइंड कर लेना है रीअरेंज करके, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मैनी, हाउ सॉरी हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब है कि हमने टाइम बताना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लेगा, ये मतलब हमने टाइम बताना है, टी विल टेक फॉर 2250। 2250 हमारे पास अमाउंट होगी, मतलब टोटल प्रिंसिपल हो गया, और अमाउंट टू दिस, ये हमारे पास पी हो जाएगा, ये हमारे पास एस हो जाएगा, और रेट हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आर है हमारे पास, इसको हमने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेना, तो 0.105 आ जाएगा, ये हमारे पास एस हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और आर हम पी हमने इसमें फाइंड करना है, क्लियर। ये आपने पी फाइंड करना है, पी भी गिवन है, एस भी गिवन है, आर भी गिवन है, सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे उसी फॉर्मूले में, एस इज इक्वल टू वन पी इंटू 1 प्लस RT,
कारीगरी उसको सब्सिट्यूट करेंगे और फिर वहां से निकाल लेंगे, रीअरेंज करके, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करके। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 को देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इफ वी आर गिवन अमाउंट। अब उन्होंने खुद बता दिया अमाउंट, यानी कि हमारे पास ये एस गिवन है, रेट हमें जो है बेसिकली बता दिया, ये आर गिवन हो गया 0.12। 15 मंथ्स है हमें बेसिकली अभी गिवन, तो 15 मंथ्स को हमने कन्वर्ट करना होगा टाइम को। एंड फाइंड द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, आपने इंटरेस्ट भी फाइंड करना है इसमें और आपने इसमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल भी फाइंड करना है, ठीक है, दोनों चीज़ों को ही इसमें फाइंड करना होगा। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास एस हो गया, ये हमारे पास आर हो गया, ये हमारे पास सी है, इसको हम प्लस से डिवाइड करके मतलब निकाल लेंगे। फाइंड द इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है, पी फाइंड करना है इसमें और आई फाइंड करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एनीवन किसी को पता हो? देखिए अब इसमें हमारे पास, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था एस इज इक्वल टू पी प्लस आई, ये फॉर्मूला पढ़ा ना हमने पहले, सबसे पहले हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था इंटरेस्ट। अब पी हमें जो है बेसिकली, हम पहले पी भी फाइंड करना पड़ेगा, इसके थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें पी पता हो इसका मतलब है सबसे पहले तो हमें ये वाला ये चीज फाइंड करनी पड़ेगी, हमें आर गिवन है, टी गिवन है, इसको अगर आप चाहे तो मैंने इसका सोल्यूशन भी साथ ही रखा हुआ है ताकि आप वहां से भी देख सकें। क्वेश्चन नंबर 10, आपको सबसे पहले एस गिवन है, आर गिवन है 0.12, मंथ्स में गिवन है 15/12, इसको हमने ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया, आई भी फाइंड करना है, पी भी फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा हमारे पास, देखिए ये वाला फॉर्मूला तो हमें पता है कि हमने इसके थ्रू फाइंड, आर टी है तो हमने इस तरह से फाइंड करना होगा, ये पी इज इक्वल टू पी इंटू 1 + RT के थ्रू हमने करना होगा। अब यहाँ पे एस हमें गिवन है, पी अननोन है, और जो जो वैल्यूज, आर भी गिवन था, टी भी गिवन था, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। और जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिख के बताया था एस इक्वल टू पी प्लस आई, अब यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं, पी भी हमें पता है, एस भी हमें पता है, आई जो है हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, हेंस इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिखा दिया ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, वो उस पर तो इतना बंदा लिख नहीं सकता ना, तो यहाँ से आप देख लो, ठीक है, ये सारी चीजें आपको गिवन थी, एस आर टी गिवन था और यहाँ से हमने पी फाइंड कर लिया, क्लियर है, पी फाइंड कर लिया और उसके बाद जो है यहाँ से दोबारा से आई फाइंड कर लिया, क्लियर। अच्छा जी, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, 11th क्वेश्चन है, इफ वी आर गिवन इंटरेस्ट, अब हमारे पास बेसिकली इंटरेस्ट आई गिवन है 29.67, आर गिवन है 12.9%, टाइम गिवन है 8। अब मंथ्स को हमेशा हमने कन्वर्ट करना होगा ईयर्स में, 8/12 कर लेंगे। देन फाइंड द अमाउंट एंड प्रिंसिपल, अब यहाँ पे भी आपने एस फाइंड करना होती, ऊपर वाले में आपने आई और वो फाइंड करा था, इस क्वेश्चन को भी यहीं से देख लेते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा, आर आ जाएगा, मंथ आ जाएगा, हमने क्या करना है, देन फाइंड द अमाउंट एंड प्रिंसिपल। अब सबसे पहले तो हमने वहाँ पे क्या करना है, अपनी सारी गिवन डाटा जो हमने चीज़ें थी गिवन, उसको पॉइंट्स में कर लिया, आर को हमेशा पॉइंट्स में करना होता है, पी को हमेशा ईयर्स में करना होता है, मंथ है तो 8/12 कर लिया, एस फाइंड करना है, पी भी फाइंड कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए फॉर्मूले के मुताबिक हमें यहाँ पे आई आर टी गिवन है, वो पीछे वाले क्वेश्चन में हमें मतलब दूसरी चीजें भी गिवन थी ना, हमने ये देखिए इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें एस गिवन था, यहाँ पे एस गिवन नहीं है, आर टी गिवन है, साथ आई गिवन है, इसका मतलब है हमने यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने सबसे पहले पढ़ा था इस एक्सरसाइज में, आई इज इक्वल टू पी आर टी, हमने वो पुट कर दिया, उसके मुताबिक हमने यहाँ पे पी निकाल लिया, आई भी हमें गिवन है, आर बी टी, इसके मुताबिक हमने पी निकाल लिया यहाँ, ठीक है। अब फॉर्मूले अभी तक हमने तीन फॉर्मूले यूज किए हैं इस एक्सरसाइज में, ठीक है, ये देखो अब यहाँ से सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके हमारे पास पी आ जाएगा, सेकंड फॉर्मूले में हम पी और आर की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास अमाउंट भी आ जाएगी, प्रिंसिपल भी आ जाएगी, ठीक है, सारी चीजें आगे रिक्वायर्ड, तीन फॉर्मूले को रीअरेंज करके पी यूज कर रहे हैं हमारे पास। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्टिन हैड अ नोट फॉर 15,000 विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%, ठीक है, 6% हमारे पास आर आ जाएगा, ये हमारे पास पी आ जाएगा, द नोट वाज डेटेड जनवरी 12, 2003, ठीक है, इसमें इस पे इशू हुआ एंड मेच्योरिटी डेट वाज 90 डेज आफ्टर डेट ऑन जनवरी 27, 2003, ही टुक द नोट टू हिज बैंक विच डिस्काउंट रेट एट अ डिस्काउंट रेट 7%, ठीक है, ये डिस्काउंट रेट आ जाएगा, हमारे पास ये भी डेट है, आर ही गिवन है, हाउ मच डिड ही रिसीव।
अब इसको यहाँ पे अपनी यहाँ से देख लेते हैं, बाकी आप जो क्लियर हो इतना लिखा तो जाता नहीं। और सबसे पहले तो आपको पता है मेच्योरिटी वैल्यू एस इज गिवन, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अब आई का फॉर्मूला हमने भी यहाँ पे देखिए, आई का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया, आई इक्वल टू वन प्लस सॉरी ये आई की जगह पे ये पहले पुट कर दिया पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है, ये फॉर्मूले को पुट कर दिया। यहाँ से पी को कॉमन निकाल लिया, जब पी को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे वो फॉर्मूला बन जाता है जो हम यूज कर रहे हैं, वन प्लस आर टी। अब यहाँ पे क्या है, हमें गिवन रेड क्वेश्चन में क्या था, पी गिवन था, आर गिवन था, और पर एनम के मुताबिक इसको हमने 0.06 में कन्वर्ट कर लिया 90 डेज, ठीक है। उन्होंने कहा ना यहाँ पे क्वेश्चन में कि मेच्योरिटी डेट वॉज 90 डेज, हमने इसको डेज को भी कन्वर्ट करना होता है, तो 90 डेज को हमने कन्वर्ट किया। अब ये देखिए 360 डेज में क्यों कन्वर्ट किया, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में उन्होंने कहा ये देखो टेक 360 डेज, अदरवाइज हम 365 से डिवाइड करते हैं, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ पे बाउंड कर दिया कि आपने क्या लेना है 360, आपने 365 से डिवाइड नहीं करना, 360 लेना आपने, तो हमने इसलिए क्या किया 360 से डिवाइड कर दिया। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0.25 ईयर, ठीक है, पी आ गया, आर आ गया, एन आ जाएगा, या टी कह सकते हो आप इसको, ठीक है, टी आ जाएगा हमारे पास। अब आते हैं हमारे पास यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, जो हमारे पास ये फॉर्मूला है ये देखिए इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर टी, ठीक है, हमने एस की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, पी को भी पुट कर दिया, अब वन यहाँ से आर और पी को भी पुट करके वैल्यू हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये एक हमारे पास काम हो जाएगा। अगला उन्होंने डिस्काउंट रेट भी बताया ना, मैंने आपको रिपोर्ट एक वो रेट भी आपको लास्ट में दिया, यहाँ पे उन्होंने कहा है ना कि विच डिस्काउंट रेट इज एट अ रेट डिस्काउंट रेट 7%। अब यहाँ पे उन्होंने 7% डिस्काउंट रेट बताया, तो आर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हमारा यहाँ पे 0.07 बन जाएगा, और जो ऊपर अमाउंट गिवन है हमने इसी अमाउंट को यूज करना है। अब ये हमारे पास एस हो जाएगा, आर भी है, एस भी है, 75 डेज हो गया, ठीक है, 75 डेज क्यों हुआ, यहाँ पे देखो इतने ये क्या 90 डेज का था, लेकिन ये देखो ऑन जनवरी 27, अब इनके दरमियान में 15 डेज का दरमियान में गैप आया है, जिसकी वजह से हमारा ये जो है हमने इसको डेज को कम कर दिया, यहाँ पे 75 डेज बना लिया हमने, ठीक है। अब ये देखो 90 माइनस हमारे पास 15 करें तो आता है हमारे पास 75, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ 75 कैसे आया, 90 माइनस 15 करके, 90 उन्होंने पहले बताया था ना कि 90 डेज था, अब जो उसके बाद 15 डेज का गैप आया तो हमारे पास 90 माइनस 15 करके 75 आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 75 डेज को यूज किया, ठीक है। अब ये 75 डेज को हमने आप 75 डेज को डिवाइड कर दिया 360, डिवाइड आपने 360 से करना, उन्होंने हमें बाउंड किया, अदरवाइज हम 365 से करते, ये हमारे पास ईयर्स में डाटा आ जाएगा, आर भी है, टी भी है, एस भी है, सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया और हमने यहाँ पे पी निकाल लिया, ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन आंसर आ गया कि आपने इस तरह से इसको सॉल्व करके निकाल लिया। अब एनी क्वेश्चन, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। चलिए देखिए मैं आपको बता दूँ 75 कैसे आया, आप कंफ्यूज ना हो, ये देखिए पास है ना, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 90 डेज है मेच्योरिटी डेट, ये हमारे पास बेसिकली 90 डेज था, यहाँ पे ये हमारे पास टी टाइम था 90 डेज, लेकिन अब उन्होंने कहा कि पहले वो था 12 जनवरी, अब वो 27 जनवरी है, यानी कि 27 में से हम माइनस करें 12 तो क्या आता है हमारे पास, माइनस करें तो क्या आता है 15 आता है ना, उस 15 को फिर हमने 90 में से माइनस करना, अब हम डिस्काउंट फाइंड कर रहे हैं, डिस्काउंट के बाद इस 90 में से हमने 15 को माइनस किया, अब हमारे पास बाकी जो रिमेनिंग डेज बचते हैं वो हमारे पास 75 डेज बचते हैं, ठीक है। अब उस 75 डेज के अकॉर्डिंग हमने जो है इसको निकालना था, ठीक है, ये मैंने आपको इसके दोबारा से बता दी ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि 75 कहाँ से आ गया, 75 यहीं से आया है। एनी क्वेश्चन, किसी को कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। चलिए जी दोबारा से इस क्वेश्चन को मैं बताती हूँ कि मोहसिन हैड ए नोट फॉर 15,000, ठीक है, 15,000 है उसके पास, ये हमारे पास आपको पता है प्रिंसिपल अमाउंट होगी, पी हो गया, विद एन इंटरेस्ट रेट ये हमारे पास आर हो जाएगा 6%, ठीक है, आर हमारे पास 6% हो गया, द नोट वाज डेटेड जनवरी 12, 2003 एंड मेच्योरिटी डेट वाज 90 डेज, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन का पार्ट खत्म हो गया आपका, ठीक है, आपको पी गिवन है, आर गिवन है, और यहाँ पे पी गिवन, ठीक है, देखिए मैं सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन का बताती हूँ, पी गिवन है, आर गिवन है और टी गिवन है, पी को अब हमने 90 डेज था लेकिन हमने इसको 365 से डिवाइड करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने बाउंड किया कि आपने 360 से करना है, हमने कन्वर्ट करके पी भी निकाल लिया, पी और आर हो गया। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक हम अपना सम निकाल लेंगे, ठीक है, एस इज इक्वल टू 15,000
1+ PR की सारी वैल्यूज को पुट किया, हमारे पास S सम निकला है, हमारा पहला पार्ट हो चुका है। अगले पार्ट में उन्होंने कहा है कि आपके पास ये देखें, नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है ऑन जनवरी 27। अभी पहले 12 जनवरी था, 27 जनवरी हो गई, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, 15 दिन कम हो गए। 90 डेज थे तो 15 दिन कम हो गए उसके उसमें से, ठीक है। 90 में से 15 माइनस थे तो 75 डेज हो गए, इसका मतलब टी हमारे पास 75 हो जाएगा। यहाँ पे ही टुक द नोट टू हिज बैंक विच डिस्काउंटेड इट एट अ डिस्काउंट रेट 7%। अब यहाँ पे डिस्काउंट रेट आर इक्वल टू हमारे पास 7% हो गया। हाउ मच डिड ही रिसीव, तो हमें बताना है कि इसने कितने पैसे रिसीव। अब यहाँ पे क्या था, सबसे पहले तो हमें डिस्काउंट रेट था आर गिवन था, वो 7% हमने लिख लिया, और टी को हमने 75 डेज था उसके मुताबिक हमने 60 से डिवाइड करके टी भी आ गया, आर भी आ गया, टी भी आ गया। एस हमने ऊपर वाला यूज करना होगा, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंटेड रेट कर रहे हैं ना मेच्योरिटी का, यानी कि ऊपर जो हमने पहले निकाला था उसी का मजीद हम क्वेश्चन में डिस्काउंट रेट निकाल रहे हैं, तो उसी वाले हमने एस को यूज करना होगा। अब यहाँ पे हमने पी फाइंड करना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है कि कितना उसने कहा कि हाउ मच ही रिसीव, यानी कि कितना वो रिसीव करेगा, उसके पास कितने पैसे बचेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट। हमने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है, हमने क्या किया यहाँ पे अपना वो जो है एस को पुट किया।